हेलो एवरीवन, मैं हूँ इरम फरीदी, आई एम प्रोड्यूसर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ किसके साथ? मिस्टर रोहित पांडे जी के साथ, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, काफ़ी लंबे समय से हैं और बहुत लोगों की हेल्प भी इन्होंने करी है और मैं उनको बहुत साल से जानती हूँ। एंड कहते हैं माई वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। और इरम्स एंटरटेनमेंट का के लिए प्राउड की बात है कि हम अपनी फिल्म का प्रमोशन जो अब स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे जो रोहित सर हैं उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज उनसे उनके कुछ वर्ड सुनते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मौका दिया मुझे आपके लिए कुछ बोलने का, और ढेर सारी बधाइयाँ आपको कि आपने 9 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है। थैंक यू सर, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या कुरीतियाँ अभी रह गई हैं, इतने आगे जाने के बाद, आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद, फिर भी आपने एक बहुत ही ऐसे मुद्दों को लेकर चलती हैं जो आज भी वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से आपने एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म बनाई है मीट मिस्टर चैंग, जो ये दर्शाता है कि रेसिज्म, जो जातिवाद है, जो भेदभाव है, जो रंग भेद है, वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में है। उसे कैसे समाप्त होना, कैसे ख़त्म करना है, वो आप इंटरनेशनल इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपने पब्लिक के बीच में आपने लॉन्च किया है। और ये मुझे लगता है कि इससे लोग सीखेंगे और फिर से वो आज़ादी के साथ, अभी देखिए हम देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन हम खुद में आपस में जब हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जब भेदभाव करते हैं तो लगता है कि हम आज भी आज़ादी हमें मिली नहीं, हम कहीं ना कहीं गुलामी से जकड़े हुए हैं। हमारी जो मानसिक स्थिति है वो हमारी गुलामी से जकड़ी है। तो अपने को किसी न किसी माध्यम से हम सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि इरम एंटरटेनमेंट जो आपका ये एक इसके माध्यम से आपने ये मूवी बनाई है और एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, इससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है और देश की जनता इसको देखेगी और देख करके आपको सराहेगी और वो आपके दिए हुए मैसेज और संदेश को आगे तक बढ़ाएगी जिससे कि लोगों में सुधार आए। इससे पहले भी मैंने कहा कि ये 9 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीती हैं और इसमें जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊँगा, पोस्टर दिखाऊँगा, जिसमें इनकी जो उपलब्धि है जीत की, ये दर्शाता है, दिखाता है कि जो ये मैसेज देना चाहती हैं से नो टू रेसिज्म, तो वो हमें आगे लेके जाना है और इस पोस्टर के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों को संदेश देना है। और जो आपने 9 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीता है अपने, इसको 9 के बजाय हमें और भी संख्या इसकी बढ़ानी है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इरम फरीदी को हमारी तरफ से और हमारे बार में जितने लोग हैं, जो लॉयर्स हैं उनकी तरफ से, हमारे लोग जितने हमारे आपको चाहने वाले हैं, जो देखेंगे आने वाले टाइम पे कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं देश के सुधार के लिए, लोगों के सुधार के लिए, मेरी शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ते रहें, हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े हैं।